आई एम डॉक्टर पी के तलवार कॉस्मेटिक सर्जन न्यू दिल्ली, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग कॉस्मेटिक सर्जरी फॉर मोर देन 30 इयर्स नाउ प्रीवियसली आई वाज अटैच टू अपोलो एंड मैक्स हॉस्पिटल्स एंड आई एम रनिंग माय ओन कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर एट ग्रेटर क्लास पार्ट वन न्यू डेल्ही हमारे एक दर्शक ने यह प्रश्न पूछा है कि घने वालों के लिए कौन सा हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर ज्यादा ठीक रहेगा आ, तो इस बारे में वो हमसे कुछ जानकारी चाहते हैं तो मैं उनको पता उनको इसका मतलब पता है थोड़ा बहुत हेयर ट्रांसप्लांट का आइडिया है और ये हमारे ज़्यादातर दर्शकों को भी शायद अब तक पता चल गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट यूजली दो आ, दो टेक्निक हैं एक तो है स्ट्रिप टेक्निक है जिसमें हम लोग स्ट्रिप निकाल लेते हैं बालों से फिर उसमें से जो है फॉलिकल्स काट काटते हैं और उनको फिर हम आगे लगा देते हैं और दूसरा होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जिसमें कि एक एक करके बाल निकाल लेते हैं और फिर उसको हम लोग इम्प्लांट कर देते हैं अब घने बाल किस में आएंगे प्रश्न ही उठता है तो देखिए ऐसा है कि घने बालों का जो आने का कारण क्या है उसका कारण ये कि आपने बालों को कितने पास पास लगाया है किस डायरेक्शन में लगाया है जिससे कि गंजापन छुप सके और जो नेचुरल डेंसिटी जितनी रिक्वायर्ड है पर स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से क्या आपने वो दिया है कि नहीं दिया है अगर आपने वो दोनों वो ये चीजें दी हैं इनका आपने ध्यान रखा है कि भाई जितना घनापन चाहिए उसी हिसाब से आप छेद करें उसमें होल करें बालों में और जो डायरेक्शन बालों को देना चाहिए जिससे कि वो गंजे पर को जल्दी छिपा सकें तो आप की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई अब इसमें आप चाहे एफ यू या स्ट्रिप टेक्निक से बाल निकालें या एफ -E से निकाल लें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ डॉक्टर जो स्ट्रिप टेक्निक करते हैं वो ये कहते हैं भाई हमने स्ट्रिप टेक्निक से आपके यहाँ से बाल निकाल दिए यहाँ से हमें ज़्यादा बाल मिलेंगे तो पहले हम स्ट्रिप निकालेंगे बंद करेंगे फिर हम एफ यू ई भी ले लेंगे सारा मिक्स करके लगा देंगे वो अपनी जगह ठीक है वो इस तरह से करते हैं उनकी एक अपनी जो टीम की ट्रेनिंग है उस हिसाब से है तो वो उस हिसाब से आपको रिजल्ट देते हैं और चूँकि वो भी एक्सपीरियंस है तो वो भी अच्छा रिजल्ट देते हैं कुछ डॉक्टर होते हैं जो एफ यू ई करते हैं तो उन्होंने भाई अगर आपको जैसे छः सात हज़ार वो चाहिए आपको यूनिट्स चाहिए और आपको वो लगानी है तो वो उसको डिवाइड कर देते हैं कि आज आपने एफ़ यू कराया आज आपने दो ढाई हजार बाल डलवाए फिर दो हजार दो वो डलवाए फॉलिकुलर यूनिट्स डलवाए तो एक यूनिट में बेसिकली दो आ, आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं तो अगर आप दो से ढाई हजार यूनिट्स तो उसमें आपको चार से पांच हजार बाल आ जाते हैं अब प्रश्न सिर्फ ये है कि आप उतना घना पर कब तक डाल सकते हैं तो यूजअली देखिए इतना है कि या तो आप सुबह आठ से लेकर रात के बारह बजे तक सर्जरी कराते रहें कि आपने एक ही दिन में सारा एरिया कवर कर देना है आपने टोटल ये पाँच हज़ार डालनी यूनिट डालनी छः हज़ार यूनिट डालने के लोग अपने पूरी टीम लगा देते हैं और कुछ डॉक्टर होते हैं जो कहते हैं इसको हम स्पेसिंग करेंगे एक आज डालेंगे एक आधे दो ढाई हज़ार ग्राफ्ट हम आज डालेंगे दो ढाई हज़ार ग्राफ्ट हम नेक्स्ट डे डालेंगे तो वो भी ठीक है अपनी तरह से ये एक लिमिट के बाद मुझे लगता है कि आपको सर्जरी नहीं करनी चाहिए अगर आप, आप सुबह आठ बजे शुरू कर रहे हैं तो आपको छः बजे तक खत्म कर देना चाहिए इसको क्योंकि होता क्या है कि पेशेंट है उसकी भी बॉडी भी स्ट्रेस पड़ता है आपकी टीम भी थक जाती है नेचुरली हालांकि लोग फिर टीम्स को रोटेट करते हैं कर कई चीज़ें की जाती हैं तो अगर आपकी टीम भी थक गई है तो बाद में वो डालेंगे अगर रात को ग्यारह बजे तक काम करेंगे तो आपके रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आएगा लेकिन फिर भी अगर लोगों के पास दो तीन टीमें हैं वो लेके रोटेट कर रहे हैं और वो कर सकते हैं तो करा करा लीजिए उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है जो लोग स्टिप टेक्निक करते हैं वो यहाँ सिर्फ यहाँ से बाल लेते हैं और सर से लेते हैं एफ में जैसे हम लोग यूजरी एफ करते हैं और हमने यहाँ से आपके पीछे गॉलिकुलर यूनिट्स निकाले तो हम यूजरी चार साढ़े हम लोग यूनिट्स यहाँ से निकाल लेते हैं लेकिन ज़रूरत तो ज़्यादा की है माना ज़्यादा की है तो क्या करेंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या करते हैं दाढ़ी से भी बाल लेते हैं बहुत कॉमन है हमारे साथ हम लोग बहुत करते हैं और फिर बालों की रिक्वायरमेंट तो चेस्ट से भी बाल ले सकते हैं क्योंकि स्ट्रिप टेक्निक के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं फॉलिकुलर यूनिट के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं तो अगर पेशेंट नहीं चाहता कि किसी भी स्थिति में कोई कट का मार्क आए तो एफ यू ई ही कराना अच्छा रहता है जो कि हम लोग करते हैं बेसिकली लेकिन अगर पेशेंट को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा स्कार आ भी जाए एक लाइन आ जाए अगर दिखती हुई कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप दोनों ही मिक्स करवा लीजिए स्टिप टेक्निक भी कर सकते हैं और साथ साथ एफ यू फॉलिकल यूनिट एक्सट्रेक्शन भी कर सकते हैं तो लेकिन इस टेक्निक से आपके बाल घने कि नहीं ये नहीं है ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कहाँ से बाल लिए जा सकते हैं अगर ज्यादा बालों की रिक्वायरमेंट है घने पर के लिए मैंने आपको बताया नंबर ऑफ हेयर जो जितने फॉलिकल्स डाल रहे हैं यूनिट्स डाल रहे हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए हमारे पास या आपके सर्जन के पास सर्जन के टीम के पास उनका डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए उनको कैसे प्लेसिंग करनी है उनकी डेंसिटी कैसी है इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट रिजल्ट इससे नहीं डिपेंड करेगा कि आप स्ट्रिप टेक्निक करा रहे हैं या यू करा रहे हैं तो हालांकि आपका प्रश्न था तो मैंने उसको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है कि हमें नंबर ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स चाहिए नंबर ऑफ़ फॉलिकल यूनिट चाहिए अब आप चाहे उसको स्ट्रिप टेक्निक से लें या एफ यू से लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे आपकी डेंसिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें शायद क्लियर कर पाया हूँ आपके लिए हमारे दर्शकों के लिए और इसके बावजूद भी अगर मैं कहीं फेल uh, हो रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने में या आपके मन में कोई नई शंकाएं हैं न, नए प्रश्न उभर के सामने आ रहे हैं तो आपका स्वागत है आप हमारी टीम से संपर्क करें हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच